हेलो दोस्तों, सुधांशु पांडे जो कि अनुपमा सीरियल में वनराज का किरदार निभा रहे थे, अचानक उन्होंने अनुपमा सीरियल छोड़ने का क्यों फैसला ले लिया? आखिर में क्या रीजन हो सकते हैं? क्या उनके साथ किसी ने मिसबिहेव किया, कोई मतभेद हुई या कुछ और बात हुई? इस बात का बयान खुद सुधांशु पांडे यानी कि वनराज ने क्लियर किया। उन्होंने बताया कि जिंदगी में हमें एक ना एक दिन आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, और आखिर में हम एक सीरियल में कितने दिनों तक काम करें। मैंने इस सीरियल में 4 साल दिया और मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। मुझे इस सीरियल को करते हुए बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, इसको छोड़कर कहीं और जाऊं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी ने मेरे पर कोई भी दबाव नहीं डाला है या किसी या कुछ मेरे साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं रहा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से सीरियल छोड़ना चाहता हूं, और इसके लिए उन्होंने सबसे माफी भी मांगा क्योंकि अचानक उनको उन्होंने सीरियल को छोड़ा है। और दोस्तों, पर्सनली मुझे भी लगता है कि हम जिंदगी में एक चीज को लेकर बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए एक चीज को छोड़ना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से वनराज ने काफी अच्छा कदम उठाया। वैसे तो अनुपमा सीरियल में सुधांशु पांडे यानी कि वनराज का बहुत ही अहम रोल था और लोग काफी उनको पसंद भी करते थे, लेकिन हर किसी को आगे बढ़ने का हक है और मेरे ख्याल से हर किसी को आगे बढ़ना भी चाहिए। सुधांशु पांडे आगे क्या करने वाले हैं, उन्होंने अपनी कोई प्लानिंग नहीं बताई, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, बस उन्होंने इतना ही कहा कि मैं ये सीरियल को छोड़ रहा हूँ। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।